Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इस हफ्ते बिग बॉस से एविक्ट हुई हैं मेघा धाड़े। आइए उनसे उनके जर्नी के बारे में बात करते हैं। मेघा, कहाँ कमी रह गई? आप फाइनल तक कैसे नहीं पहुँची, स्पेशली बीइंग अ मराठी विनर? प्लानिंग में तो कोई मैं कम नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी प्लान के साथ नहीं गई थी। मैं सिर्फ अपने आप को जैसी सिचुएशन आई, जिस तरह की सिचुएशन आई, उस हिसाब से अपने आप को मैंने ढाला है। प्लानिंग फॉर श्योर कोई नहीं थी, क्योंकि प्लानिंग अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना ओरिजिनल गेम या अपना ओरिजिनल स्टाइल खो देते हैं, और मुझे ये नहीं करना था। मुझे उस घर में डे वन से लेके आखिर तक रियल जैसी मेगा है वैसे ही दिखना था, उसी को दिखाना था। किसी अलग प्रोस्पेक्टिव से मेगा को नहीं दिखाना था मुझे ऑडियंस को। तो गेम प्लान तो डेफिनेटली कोई नहीं था, पर हाँ इस एविक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, गुस्सा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पर अब इस मोड पे मैं डिजर्व नहीं कर रही थी उस घर से बाहर जाना। फिनाले तक तो मेरी जर्नी डेफिनेटली होनी ही चाहिए थी। आप हमेशा किचन में दिखाई देती थी, क्या आपको लगता है कि किचन में रहने की वजह से आप कम पड़ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किचन में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से अगर परफॉर्मेंस वीक होती तो फिर तो मैं मराठी सीजन भी नहीं जीत पाती, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने इक्वली टाइम दिया था। इट्स नॉट ओनली अबाउट, यही तो हमें दिखाना है ना कि हमारी इंडियन वुमन कितनी सुपर वुमन होती है और वो एक साथ कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैंडल कर सकती है। मैंने यहाँ पर भी किचन भी और टास्क का मैदान भी दोनों भी अच्छी तरह अपने कंट्रोल में रखा, काबू में रखा। और ऐसी ही होती है हमारी आम महिलाएं भी, आमतौर पर वर्किंग वुमेंस जो है वो घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, ऑफिस भी संभालती है। तो ये अगर ये एक उदाहरण है हमारी भारतीय नारी का, तो यस, आई एम द परफेक्ट एग्जांपल फॉर इट। एंड लुक एट मी, आई वाज डूइंग माय टास्क वेरी वेल, आई वाज हैंडलिंग द किचन वेरी वेल, टेकिंग केयर ऑफ द हाउस एंड माय फ्रेंड्स एज वेल। तो आई एंजॉयड इट। आपको हमेशा ये टॉन्ट मारा जाता था कि आप मराठी बिग बॉस विनर हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? फैंस नहीं, मैं उन्हीं से ये कहना चाहूँगी कि अगर वो एक विनर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसके उस ओहदे की रिस्पेक्ट, विनर की मतलब पर्सनली मेरी नहीं, लेकिन जिसको जो विनर का वो जो ओहदा है, उस वो जो पोजिशन है, उसकी अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वो भी उस पोजिशन पर जाना डिजर्व नहीं करते। जिन्हें इस शो की कदर नहीं है, उस शो के फॉर्मेट की कदर नहीं है, उसके विनर की कदर नहीं है, तो मुझे लगता है वो मुझे बड़े ही लूजर टाइप लगते हैं लोग, उनको भी जीतना नहीं चाहिए। पर हाँ, मेरे जो तीन दोस्त हैं जसलीन, दीपिका और श्री, इन्होंने कभी इस बात का इशू नहीं बनाया, मजाक नहीं बनाया, और इसीलिए वो शायद मेरे अभी भी इतने अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। तो उन लोगों को मैसेज यही दूंगी कि आप विनर की इज्जत करना नहीं जानते हो तो आप विनर होना भी डिजर्व नहीं करते। सुरभि और दीपक हमेशा आपको टॉन्ट मारते थे और आपके व्यक्तित्व पे जाते थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं चाहूंगी कि सबसे पहले वो अपने व्यक्तित्व को ज्यादा स्टडी करें, दूसरों के छोड़ दे, क्योंकि इस वक्त जिस हालात में वो है और जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे, उन्हें अपने व्यक्तित्व पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के। फाइनली अ मैसेज फॉर योर फैंस, ऑडियंस से यही कहूंगी कि इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी, ये भी एक तरह का साइन है कि आप मुझे उस लायक समझते हैं। आपने मुझे उस लायक समझा कि मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उन्हें पूरा कर सकूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर कहीं कमी रह गई है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप मुझसे जो भी एक्सपेक्ट करें, जो भी एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करें, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँ। और थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी सो मच लव एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट।